का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर खुशबू में आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ। आज मैं एक मेकओवर का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आज मैं घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तभी मेरे डोर की बेल बजी और मेरी दीदी का एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर ज्वेलरी आया। तो ये ज्वेलरी देखते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई और मुझे लगा क्यों ना इस बोरिंग डे को इंटरेस्टिंग डे बनाया जाए, तो अपना मेकओवर स्टार्ट कर रही हूँ। आप मेरे मेकओवर को एंजॉय। मैं अपने फेस को सबसे पहले हाइड्रेट करने के लिए गुड वाइब्स का लेवेंडर स्मूथनिंग फेस मिस्ट अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। इसे अपने फेस पर स्प्रे करने के बाद अपने हल्के हाथों से डैप डैप करें। फेस मिस्ट स्प्रे करने के बाद अब मैं अपने फेस पर बायोटिक का मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। कोई भी अच्छा मेकअप बेस बनाने के लिए आप जो भी अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हैं उसे लगा के 2-3 मिनट का गैपिंग जरूर रखें। मैंने इसे अपने फेस पर पूरे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है, अब 2 मिनट का वेट करेंगे। अब मैं अपने आईब्रो को फील करूंगी। आज मैं जेल लाइनर का यूज कर रही हूँ, म्यूजिक फ्लावर ब्रांड का है। मैं सबसे पहले अपने आईब्रो को कॉम कर ले रही हूँ। एक एंगुलर ब्रश के हेल्प से मैं अपने आईब्रो को फील करूंगी। मैंने अपने आईब्रो को फिल कर लिया है, अब मैं मेबली न्यूयॉर्क कंसीलर से अपने आईब्रो को डिफाइन करूँ। मैं अपने आई के ऊपर पूरे कंसीलर को लगा लूँगी जिससे मेरा आई बेस तैयार हो जाएगा आई शेडो लगाने के लिए। मैंने कंसीलर को ब्रश में ले लिया है। भी रीज़न से अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। आईब्रो और आईलिड को मैंने कंसीलर से पूरा कवर कर लिया है। अब आपको आईब्रो की शेप बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। अब वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसे मिला लेंगे। अब मेकअप रेवोल्यूशन के बनाना पाउडर से मैं इसे सेट करूंगी। पाउडर ब्रश की हेल्प से एकदम थोड़ा सा लेकर अब मैं ब्यूटी ग्लेस्ट के आई शैडो पैलेट को अपने आई पर यूज करूंगी। सबसे पहले मैं पीच सेट को यहां से ले रही हूं। के नीचे एप्रिकोट सेट लूंगी। अब मैंने जो सैंड शेड लिया है उससे अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। मैं गोल्डन शेड को लेकर अपने आईलिड पर लगाऊंगी। अब मैं जेल लाइनर ब्रश के ऊपर ब्लैक आई शैडो लेकर तरह पूरे ब्लैक शैडो को उसमें स्मज करूंगी। अब जितने भी एक्स्ट्रा फॉल आउट हुए हैं गार्नियर के वाटर से मैं अच्छे से साफ कर ले रही हूँ।
अब मैं अपने फेस पर कलर बार का प्राइमर यूज कर रही हूँ। मेरे फेस पे डार्क सर्कल्स और यहाँ पे डार्क पैचेस है, तो मैं उसे ऑरेंज कंसीलर से हाइड करूंगी। देखिए दाग पूरे चिप गए। अब मैं मेबलिन का फिट मी 332 नंबर अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस पर अच्छे से डैब डैब करके मिला लूंगी। अपने नेक पर भी फाउंडेशन जरूर अप्लाई करें और फिर जो इसमें हल्के फुल्के फाउंडेशन बच जाते हैं उससे अपने लेके ईयर को कवर कर लें। अब मैं NYX का कंसीलर लेकर अपने अंडर आई एरिया पर एकदम थोड़ा थोड़ा सा कंसील कर लूंगी, हाईलाइट कर लूंगी। और इसे वेट टिश्यू की हेल्प से अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं बनाना पाउडर की हेल्प से पूरे फाउंडेशन और कंसीलर को पूरा सेट कर लूंगी। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर लेकर अपने अंडर आई एरिया पे लगा लूंगी। अब मैं मेबलिन का जेल लाइनर यूज कर रही हूँ। मैं तो मेकअप करते करते सारे ब्रश किधर किधर कर देती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है। अब जेल लाइनर जब भी यूज करें उसे कवर करके करें, वरना जेल लाइनर बहुत जल्दी सूख जाता है। अब मैं इसे वाटर लाइन पर लगाऊंगी। फिर से पीच सेट लेकर आई के नीचे ब्लेंड करूंगी। अब मैं एक्स्ट्रा पाउडर को हटा ले रही हूं। अब मैं मेबलिन का वाटरप्रूफ मस्कारा यूज करूंगी। अब मैं सिवाना कलर्स ब्रोंजर प्रोफेशनल पैलेट से अपने चीक बोन्स को चिप को थोड़ा मेरा ब्लशर टूट चुका है, मैं पर उसे ही अप्लाई करूंगी। कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। स्माइल प्लीज। अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, ये भी सिवाना ब्रांड से है। अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे हाइलाइटर यूज करें, चिक बोन्स, नोज एरिया, चिन एरिया, लिप, फोरहेड। मेकअप फिक्सर लगाने के बाद 2 से 3 मिनट इसे पूरे अच्छे तरीके से सेट होने दे, और नहीं तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब कर ले। अब मैं वेट एंड वाइल्ड का लिप लाइनर ले रही हूं। अब मैं मैट मी का सेट नंबर 409 रोम अपने लिप पर अप्लाई करूंगी। ये थोड़ा डार्क पिंक शेड में है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है।
मेकअप तो मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा। सो हेयर इज द फाइनल लुक। आपको मेरा आज का मेकअप कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आप इस मेकअप को कभी भी नॉर्मल डे पार्टी या नाइट पार्टी में कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगर आपको ऐसा नोज पिन नहीं पहनना तो आप इसके जगह बस कोई दूसरे छोटी सी नोज पिन डाल लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। मैं अपना आज का मेकअप का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर खुशबू में। बाय।